युवा के जरिए हिंदुस्तान को टटोलने, जिस युवा के कांधे पर युवा हिंदुस्तान टिका है, कोई वोटर के तौर पर देखता है, कोई बेरोजगारी के तौर पर। ये युवा भारत की ऐसी तस्वीर है जो आने वाले वक्त में हर हालात को पलट सकती है। गुस्सा पटेलों का, जाटों का, गुज्जरों का, या फिर कल सड़क पर उतरे दलितों का, तकरीबन 90% आंदोलन करने वाला युवा ही चेहरा नजर आएगा। और इस कतार के समानांतर अगर करनी सेना, हिंदू युवा वाहिनी या फिर हाथ में तलवार लेकर हिंदुत्व की उद्घोषणा करता कोई तिलकधारी हो, जैसे भागलपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे नजर आए, या फिर राष्ट्रवाद के नाम पर मोटरबाइक से रैलियां निकालने वालों का समूह, ध्यान दीजिए 90% की उम्र 18 से 35 बरस के बीच की ही, और ये सभी वही युवा हैं जो ग्राउंड लेवल पर राजनीतिक ध्रुवीकरण के प्यादे हो चले। और जन लोकपाल से शुरू हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान का अन्ना आंदोलन कौन भूला होगा? एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में स्मार्टफोन, आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया, युवाओं की फौज ने राजनीति के तौर तरीके ही बदल दिए। तो क्या युवा भारत के सपनों में सिर्फ आंदोलन है, या फिर सपनों की ही हो रही मौत को बचाने के लिए आंदोलन, या कहें सत्ता की नीतियों ने देश में बेरोजगारी के जो हालात पैदा कर दिए हैं उसमें युवाओं के पास सिवाय आंदोलन के कोई रास्ता बच ही नहीं रहा, और देश की समूची युवा ऊर्जा सड़क पर नारे लगाते हुए, पुलिस की लाठियां खाते हुए व्यर्थ हो रही है। आदमी का खून वून सब माफ है, और क्या कहूँ, छोटी मोटी चोरी रिश्वत खोरी देती है अपना गुजारा यहाँ। तो क्या हालात काबू से बाहर हो चले हैं और युवा भारत के सामने सिवाय सियासत का प्यादा बनकर सड़क पर उतरने के अलावे कोई दूसरा रास्ता बच ही नहीं रहा, और ये खतरे की घंटी कोई सुनने को तैयार नहीं? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है इस बरस यानी 2018 बीतते बीतते देश में 1,80,00,000 पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे, यानी बीते 4 बरस में 5 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार बेरोजगारी की कतार में शामिल हो चुके हैं। तो क्या यह वाकई किसी को फिक्र नहीं? 65% 35 से कम उम्र का जनसंख्या जिस देश के पास हो, अगर उसके हाथों में हुनर हो और ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो, तो भारत के नौजवानों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। मोदी जी आते हैं, कहते हैं मेक इन इंडिया करूंगा, रोजगार दूंगा, और जब आंकड़े देखते हैं पता लगता है पिछले साल किसी को रोजगार नहीं दिया। तो सियासी नजरिया अपने अनुकूल हालात को बनाना चाहता है, नेता भाषण देते हैं, सत्ता अपनी बात कहती है, पर हालात वाकई विस्फोटक तो हो रहे हैं, और आने वाले वक्त पर युवा प्रदर्शनकारियों की तादाद और बढ़ती चली जाएगी, इस ओर क्या किसी ने ध्यान दिया? क्योंकि भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ही रिपोर्ट को परखें तो देश में 15 से 29 बरस के युवाओं की तादाद तकरीबन 33,33,65,000 है, जिसमें OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट कहती है 15 से 29 बरस के 10 करोड़ युवाओं ने न पढ़ाई की न कोई काम उनके पास है, यानी 30% युवा मुफलिसी में है, और ये तबका करेगा क्या कोई नहीं जानता। जाहिर है लोकतंत्र के पर्व चुनाव में रोजगार इस तबके को मिल जाता है और इस तबके की जरूरत है, और शायद प्रचार तंत्र मजबूत दिखाई दे छोटे शहरों में गाँव में ये तबका काम करने लगता है, और फिर देश में शिक्षा तंत्र का क्या आलम है
अगर इसे बतौर वोटर होने की उम्र वाले तबके के जरिए ही परख लें, तो 18 से 23 बरस के युवाओं की तादाद देश में 14 करोड़ से ज्यादा की है और इसमें सिर्फ 3,42,11,000 छात्र ही कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, इतना ही इनरोलमेंट हुआ है। यानी इस उम्र के भी 10 करोड़ युवा क्या कर रहे हैं कोई नहीं जानता, और इस सवाल का समाधान शायद कोई नहीं जानता। और हर सवाल का जवाब देश में यही उभर रहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 45 करोड़ लोगों में ही इन सभी का शुमार आने वाले वक्त में हो जाएगा। पर इस हकीकत को हर कोई छुपा रहा है कि जो युवा सड़क पर नारे लगाते हुए अपने हक की बात कहता है, उस पर भी किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? और क्या मौजूदा वक्त में राजनीति की जरूरत है युवा उसके लिए नारे लगाए और मुद्दे जो देश के होते हैं वो कहीं कारपेट तले दबा दिए जाएं? खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।